आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि ट्राई कलर एलईडी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग आर्डिनो यूनो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है फ्रॉम 0 to 9 यूजिंग आर्डिनो यूनो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं आर्डिनो यूनो का यूटिलाइजेशन करके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जो बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वीडियो के, वो हैं अबाउट 7 सेगमेंट डिस्प्ले स्ट्रक्चर। वी विल लर्न अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड वी विल लर्न अबाउट दैट हाउ टू राइट ए प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 ऑन 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूजिंग आर्डिनो यूनो, हाउ टू कंपाइल एंड अपलोड द प्रोग्राम एंड सर्किट मेकिंग फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसमें हम सर्किट बना के भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में कि हम कैसे सर्किट आर्डिनो यूनो को लेके 7 सेगमेंट के साथ जो है कैसे कनेक्शंस करेंगे। जो बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आर्डिनो यूनो बोर्ड आपको चाहिए। मैं यहाँ पे मैं विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ और आर्डिनो आईडी आपका पीसी पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ब्रेड बोर्ड चाहिए आपको, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये मैं जो यहाँ पे यूज़ करूँगा वो कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करूँगा। आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सम प्रीरिक्विजिट्स आर देयर, बेसिक नॉलेज ऑफ आर्डिनो यूनो बोर्ड। इसे पिछले वाले वीडियोस में मैं आर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आर्डिनो यूनो ट्यूटोरियल्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप उसमें देख सकते हैं। यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ ब्रेड बोर्ड एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले एज वेल एज यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। आर्डिनो यूनो बोर्ड विद पावर केबल आपके पास होना चाहिए। जो ब्रेड बोर्ड है, ब्रेड बोर्ड हमने पहले देख लिया है कि हम कैसे कनेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। हॉरिजेंटल जो अपर और लोअर लाइंस हैं ये आपके हॉरिजेंटली कनेक्टेड होते हैं और जो मिड वाले जो लाइंस हैं ये आपके वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं। अगर हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपका जो है कुछ दिखने में ऐसा कुछ दिखाई देता है। इट हैज़ 7 LEDs अरेंज्ड इन शेप ऑफ 8। अगर आप ये देखेंगे तो 7 LEDs अरेंज्ड हैं आपकी ए बी सी डी ई एफ और जी। तो इसे जैसे पहले हमने ट्राई कलर एलईडी में देखा तो वहाँ पे आपके 3 कोड्स थे आर जी और बी, और सिंपल एलईडी में हमने देखा वहाँ पे सिर्फ आपका 2 ही पिन थे और यहाँ पे ट्राई कलर एलईडी में हमारे 4 पिन थे। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपके टोटल जो पिन्स हैं वो आपके 10 होते हैं। 5 लेग्स आपके लोअर साइड होते हैं और 5 लेग्स आपके अपर साइड होते हैं। इसमें जो 7 LEDs हैं वो आपकी अरेंज्ड होती है फ्रॉम ए टू जी, और जो टाइप्स हैं कॉमन कैथोड अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसमें ये जो LEDs के लिए जो पोर्ट निकाले हुए हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, और एक उसके अलावा जो है कॉम पोर्ट है COM, और एक आपका डॉट पोर्ट है। तो डॉट पोर्ट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले, डॉट पोर्ट आपका डॉट रिप्रेजेंट करने के लिए है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे जो कॉमन पोर्ट जो बेसिकली है आपका जो एलईडीज़ का जो है वो कैथोड भी जो है कॉमन हो सकता है या एनोड भी कॉमन हो सकता है। तो उस बिहाफ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ नोन एज कॉमन एनोड एंड एनोदर इज़ नोन एज कॉमन कैथोड टाइप। अगर हम कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें तो कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपके जितने भी पोर्ट हैं ए टू जी उस पे आपको +5 वोल्ट जो है सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आर्डिनो यूनो का जब यूज़ करेंगे उनको अलग अलग एलईडीज़ को कंट्रोल करके देखेंगे तो वहाँ पे हम हाई लॉजिक अप्लाई करेंगे ए टू जी में अकॉर्डिंगली जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो कॉमन पोर्ट है उस पे हम उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। अगर हम कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात करें तो कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हम उल्टा करते हैं, आपके जो कॉमन पोर्ट हैं कॉमन पोर्ट जो है वो दैट शुड बी कनेक्टेड टू दी हाई वोल्टेज, और जो बाकी के जो पोर्ट हैं वो आपके ग्राउंड से कनेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स दोज पोर्ट शुड बी लो। तो इसमें अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड डॉट दैट शुड बी कनेक्टेड टू दी ग्राउंड वाइल कॉम पोर्ट शुड बी कनेक्टेड टू दी +5 वोल्ट। तो +5 वोल्ट अगर आर्डिनो की सेंस में बात करें तो हम यहाँ पे जो है हाई लॉजिक की बात करेंगे। यहाँ पे मैं जो है कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद जो है अगर हम बात करें नेक्स्ट
लॉजिक्स की अगर बात करें, मान लीजिए अब इसको आपको प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिस्प्ले करने वाले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, तो उसके लिए कौन सा जो एलईडी है किस टाइम ऑन रखेंगे और किस टाइम ऑफ़ रखेंगे। अगर ये आपको आराम से समझ में आता है तो आप बड़े आराम से प्रोग्राम लिख पाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ये मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है इसे पिछले वाले डायग्राम में स्मॉल ए से किया था, यहाँ पे कैपिटल ए से कर दिया, तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ए से लेके जी तक जो आपकी एलईडीज हैं, अगर आप 0 टाइप करेंगे तो 0 के लिए आपको सभी एलईडीज को ऑन करना पड़ेगा और जी को जो है ऑफ रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर लॉजिक हम देखें तो सारे के सारे आपके ये हाई इनपुट आप दोगे इन एलईडीज को आर्डिनो से, और इसको जी वाले को जो है आप लो इनपुट देंगे जिससे कि ये ऑफ रहे। अगर आप 1 देखते हैं तो 1 के लिए आप देखेंगे कि आपका ये एलईडी और ये एलईडी जो बी और सी है ये आपको हाई रखना पड़ेगा, बाकी सारे ऑफ रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक टेबल मैंने रिप्रेजेंट किया है 1 से लेके 8 तक का, 0 और 9 के लिए नहीं रखा है उस टेबल में, ये आप खुद लिख लेंगे इसको। ये आपका एक असाइनमेंट जो है मैंने यहाँ असाइन किया है कि 0 से 9 के लिए क्या लॉजिक रहेगा। वैसे 0 के लिए मैंने बता दिया आपको। अगर 1 के लिए देखें तो बी और सी जो है उसको हाई रखा है, 1 1 मीन्स यहाँ पे हम हाई लेके चले हैं। तो आर्डिनो को जब हम असाइन करेंगे पिन्स को, जब डिजिटल पिन्स पे हम कनेक्ट करेंगे इन पोर्ट्स को बी और सी को, तो इसको हम हाई देंगे उस टाइम पे उन पिन्स पे जिस पिन से कनेक्ट करेंगे, और बाकी सभी को हम लो देंगे। अगर हमें 2 लिखना है यहाँ पे तो 2 के लिए देखिए आप जो लो करेंगे वो एक इस एलईडी को करेंगे, ये कौन सा है आपका एफ, और ये जो एलईडी है ये कौन सा है आपका, ये आपका सी है। तो एफ और सी को देखें तो आपका जो एफ और सी है यहाँ पे आपका ये सिर्फ 0 है और ये 0 है, दैट मीन्स लो आपने असाइन किया, असाइन करेंगे आप, और बाकी सभी पोर्ट्स पे आप जो है हाई असाइन करने वाले हैं। तो अगर 3 आपने रिप्रेजेंट करना है तो 3 के लिए आप देखेंगे तो आपका ये जो एलईडी है ये एफ और ई, इसके लिए जो लॉजिक रहेगा वो आपका लो रहेगा, बाकी सभी के लिए हाई रहेगा। तो एफ और ई के लिए 0 0 है, बाकी सभी के लिए 1 1 है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर आप जो है 8 अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 8 रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो है क्या करेंगे आप 8 रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सारे के सारे जितने भी आपके ये जो एलईडीज हैं ये आपके जो है क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। तो सभी के सभी पे आप जो है इस पे जो है हाई लॉजिक जो है रिप्रेजेंट करेंगे इस केस में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि 7 का जैसे देखेंगे तो 7 पे सिर्फ आपका ए बी और सी पे हाई रहेगा, बाकी सब पे लो रहेगा। 6 के केस में आपका जो है सिर्फ बी वाला जो है पार्ट वो आपका लो रहेगा, बाकी सभी पे हाई रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप 9 का भी कैलकुलेट कर लेंगे कि 9 के केस में क्या होगा। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम के केस में हमें जो जो चाहिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, आर्डिनो यूनो बोर्ड चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमें चाहिए, एक यूएसबी केबल चाहिए और आर्डिनो आईडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके पीसी पे। कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ इस डॉट को यूज़ नहीं करेंगे। बाकी जो रिप्रेजेंट किया हुआ है इन पोर्ट्स के लिए A to G, ये कौन से पिन से कनेक्ट करना है आर्डिनो यूनो बोर्ड के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि हम प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली लॉजिक लगा पाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ए को जो है मैं 2 नंबर पिन से कनेक्ट करने वाला हूँ, और बी को जो है मैं 3 नंबर पिन से कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, और सी को 4 नंबर पिन से आर्डिनो की उससे कनेक्ट करेंगे, डी पोर्ट को जो है 5 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की, और 6 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे हम ई पोर्ट को, और जी जी के लिए 9 नंबर है और एफ के लिए 8 नंबर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ग्राउंड को जो है हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो यूनो बोर्ड का जो ग्राउंड है उसको कॉमन पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। तो इसके बाद जो है हम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो प्रोग्राम पे जाने से पहले एक बार ये सर्किट बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली जल्दी से। अगर इस सर्किट की हम बात करें तो सर्किट में जो है हमें जो चाहिए वो आप देख सकते हैं कि ये मेरा कॉमन कैथोड टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो आपका है ये देखने के लिए आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये CC लिखा हुआ है। तो इस CC से, CC मीन्स कॉमन कैथोड टाइप है ये आपका। अगर ये CA लिखा होता तो आपका कॉमन एनोड टाइप हो जाता। 5 लैग इसके बॉटम साइड हैं और 5 लैग जो है आपके ये यहाँ पे टॉप साइड इसमें है। तो इसको मैं सबसे पहले जो है अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
सेवन सेगमेंट डिस्प्ले को। इसके बाद हमें एक आर्डिनो बोर्ड चाहिए, हमें कुछ जो है इसके लिए कनेक्ट करने के लिए, सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक आपका यूएसबी केबल चाहिए, ठीक है, ये यूएसबी केबल हमारे पास है। और उसके बाद जो है हमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, तो कनेक्टिंग वायर्स हमारे पास बहुत सारी हैं, इसको जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो है अगर अब देखें इसको तो राइट साइड से जो है कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। राइट साइड में देखें आप सर्किट डायग्राम, तो हम जो सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट कर लेते हैं, डॉट को हमें यूज़ नहीं करना है, सी जो पोर्ट है आपका डॉट वाला छोड़ दें, तो ये जो डॉट है डॉट वाला हम छोड़ देंगे इसको, ये वाला पार्ट हम छोड़ेंगे इसका। नेक्स्ट जो है वो आपका सी है, उसके बाद कॉमन है, फिर डी है और फिर आपका ई है। तो हम सबसे पहले सी को कनेक्ट करते हैं, सी को जो है कनेक्ट करते हैं पोर्ट, ये सी के लिए वायर ले लेते हैं। सी को हम आर्डिनो पिन की, जो आर्डिनो यूनो है उसका 4 नंबर पिन, अगर आप 4 नंबर पिन यहाँ पे देखें तो 4 नंबर पिन आपको यहाँ पे, ये 4 नंबर पिन आपको दिखाई देगी, इस पिन से आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपका 4 नंबर पिन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पोर्ट है वो हमारा कॉमन पोर्ट है, कॉमन पोर्ट जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो ये हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड के लिए जो है मैंने ये जो आपका आर्डिनो बोर्ड है इसमें ग्राउंड आपका जो गिवन है, ये आपका ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं इसको ग्राउंड से। नेक्स्ट जो पोर्ट है हमारा डी है, डी पोर्ट को हमें कौन से पिन से कनेक्ट करना है, 5 नंबर पिन से कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको हम 5 नंबर पिन से कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। और इसके बाद जो है लास्ट जो बॉटम साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्ट है, ये आपका ई पोर्ट है, इसको पिन नंबर 6 से कनेक्ट करेंगे हम लोग, ये पिन नंबर 6 से कनेक्ट किया इसको। अब हम ऊपर की साइड चलते हैं, पिन जो पोर्ट जी है आपका, पोर्ट जी जो है ये आपका कनेक्टेड है पिन नंबर 9 से, ये आर्डिनो के पिन नंबर 9 से कनेक्शन किया इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है हमारा वो एफ है, एफ को हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, पिन नंबर 8 के साथ, तो ये हमें पिन नंबर 8 के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। और उसके बाद जो है हमारा इसमें कॉमन पोर्ट है, तो कॉमन पोर्ट इसके नेक्स्ट जो वाला जो है कॉमन पोर्ट है, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है, और ये हमारा यहाँ पे एक ग्राउंड जो है अवेलेबल है आर्डिनो यूनो बोर्ड पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पिन है हमारा ए और बी पोर्ट जो है वो 2 और 3 नंबर पिन पे है, तो ए को 2 नंबर से कनेक्ट करेंगे और बी को आप 3 नंबर पिन से कनेक्ट, इसके लिए मैंने ये येलो वायर ले ली है, और इसको आप 3 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये 3 नंबर पिन से ये अब आपका सर्किट जो है बिल्कुल रेडी है। अब इतना करने के बाद जो है आप इसको सर्किट बनने के बाद आप जो एक पोर्ट है ये आप अपने आर्डिनो यूनो के इस पोर्ट से कनेक्ट करें, और जो दूसरा पोर्ट है वो आप अपने सिस्टम के पोर्ट से कनेक्ट करें जिस पे आपका आईडी जो है वो इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोग्राम पे, अपना आर्डिनो आईडी ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आर्डिनो आईडी ओपन करने के लिए जो है आप अपने सिस्टम पे जाएंगे और आईडी जो है आपने इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, तो ये जो आपका आर्डिनो आईडी है ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो है प्रोग्राम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही ओपन होगा आपका। तो यहाँ पे है क्या जो ये आपका प्रोग्राम जो है, आप इस प्रोग्राम को लिख लेंगे, पहले एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए जो मैंने जो यूज़ किया है वो सबसे पहले क्या है, जो भी अपने अपने पोर्ट्स हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के जो एलईडीज के लिए असाइंड है, बी सी डी ई एफ और जी, इसको जो है पिन के अकॉर्डिंगली जो है उसको असाइन कर लिया है कि कौन कौन सी पिन हम उन पोर्ट्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो पिन नंबर कौन सी पिन से कौन सा जो है सेगमेंट जो है ये आपका कनेक्ट होगा, ए सेगमेंट यूज़ होगा या बी सेगमेंट यूज़ करने वाले हैं या सी सेगमेंट यूज़ करने वाले हैं या डी ई एफ जी, तो सारे के सारे सेगमेंट आपने आर्डिनो की डिजिटल पिन से कनेक्ट करने हैं, तो कौन सी पिन से उसको कनेक्ट करना है उस पोर्ट को वो यहाँ पे डिफाइन कर लिया है आपने। तो ये जो आपका ए पोर्ट है वो आपका 2 नंबर पिन से कनेक्ट होगा, बी जो है वो पिन नंबर 3 से, सी 4 नंबर पिन से, डी 5 नंबर पिन से, ई 6 नंबर से, एफ 8 नंबर से और जी जो है वो 9 नंबर से कनेक्ट होगा। यही हमारे सर्किट डायग्राम में था, ऐसे ही हमने इसको किया था। उसके बाद वाइड सेटअप में जो है जाके हम जो उसका पोर्ट है ए बी सी डी ई एफ और जी, उसका जो है हम उसका मोड डिफाइन कर लेंगे कि उस पिन पे जो लॉजिक देना है हमने उसको डिफाइन कर लिया है पिन के अकॉर्डिंगली। तो पिन नंबर अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने पिन जो असाइन किए हैं वो 2 से लेके 9 तक असाइन किए हैं,
तो उसको हमें इनपुट बनाना है या आउटपुट बनाना है वो हम पिन मोड से यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो इसमें सभी जो पिन्स हैं आपकी उसको आउटपुट बनाना है, क्योंकि आउटपुट जब आप उसको बनाएंगे तभी जो है आप अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले में वहाँ से इनपुट दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो पिन नंबर ए जो आपका है, जिसको आपने 2 नंबर पिन बोला, उसको भी आउटपुट बनाया और जी तक जो है आपने उसको आउटपुट बना लिया A to G। इसके बाद जो है अब आप जो नेक्स्ट जो आप करेंगे वो वॉइड लूप में जाएंगे। वॉइड लूप में जाके जो है अब आपने डिजिटल राइट करना है, जैसे हमने LED ब्लिंक के लिए किया था, ट्राई कलर LED के लिए किया था, तो ऐसे ही यहाँ पे अब हमें जीरो, जैसे हमने पीछे टेबल देखा कि जीरो लॉजिक अगर करेंगे तो किस किस को हाई रखेंगे, कौन कौन सी LEDs हमें हाई रखनी है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट पे A to G या सेगमेंट भी वर्ड यूज़ किया है, तो किस पे हमें जो है हाई लॉजिक देना है और किस पे हमें लो लॉजिक देना है। तो अगर हमें जीरो रिप्रेजेंट करना है तो मैंने आपको बताया कि जीरो रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आप जो जी है, जी वाला जो पोर्ट है, सेगमेंट है, या आप जो है उसको कहें LED कहें, या तो ठीक है सिर्फ जी वाला जो आपका LED है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, वहाँ पे आपको लो इनपुट देना है, बाकी जगह जो है वो आपने हाई इनपुट ही देना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डिजिटल राइट कर लेंगे। उसके बाद उसको डिले देना है आपने कि जितने भी A to G हैं आपके पोर्ट वो आपके अकॉर्डिंगली हाई रहें लो रहें उतने टाइम के लिए। यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड का डिले जो है मैंने दिया है। नेक्स्ट जो लॉजिक वन के लिए जब आप करेंगे, तो लॉजिक वन के लिए जो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे लॉजिक वन के लिए मैंने आपको बताया कि बी और सी जो पोर्ट हैं सिर्फ वो हाई रहेंगे, बाकी सारे जो है आप लो करेंगे यहाँ पे। इस ऐसे ही जो है आप टू के लिए देख लेंगे, टू के लिए राइट कर लेंगे। टू के लिए आप जो है सी को और एफ को लो करेंगे, बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं आपके वो हाई रहेंगे और डिले आप असाइन करते चले जाएंगे सभी में। यहाँ पे सभी के लिए मैंने जो डिले असाइन किया है वो आपका 0 to 9 के लिए 1000 मिली सेकेंड का यूज़ किया है। ऐसे ही थ्री के लिए, थ्री पे अगर आप देखें तो थ्री पे ई और एफ आपका लो था टेबल में, ठीक है, बाकी सारे पोर्ट जो है वो आपके हाई थे, तो ऐसा ही आप करेंगे। फोर के लिए अगर आप देखेंगे तो फोर के लिए आपका ए लो है, डी लो है और ई लो है, बाकी सारे जो पोर्ट्स हैं वो आपके हाई रहेंगे। अगर आपने 5 रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो 5 के लिए जो है आप देख सकते हैं कि बी वाला जो पोर्ट है वो आपको लो करना है, ई वाला जो पोर्ट है वो आपको लो करना है, बाकी सारे पोर्ट जो है वो आपके हाई रहेंगे। ऐसे ही 6 के लिए आप देख सकते हैं, 6 के लिए जो है बी पोर्ट है जो वो आपका लो है, बाकी सारे पोर्ट आपके हाई रहेंगे। 7 के लिए जो है आपका डी ई एफ और जी ये लो रहेंगे, बाकी सारे हाई रहेंगे। 8 के लिए मैंने बताया आपको कि सारे के सारे पोर्ट आपके हाई रहेंगे। ऐसे ही 9 के लिए ई पोर्ट जो है वो आपका लो रहेगा, बाकी सारे जो पोर्ट हैं उस पर आपने हाई इनपुट अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस लॉजिक को अप्लाई कर लेंगे अपने प्रोग्राम में और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद जो है आपने यहाँ पे एरर डाउनलोडिंग यहाँ पे कुछ नीचे दिखा रहा है, तो इसको भी अभी रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है आप अपने टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे टूल्स में जब जाएंगे तो आप अपना जो पोर्ट है पोर्ट सेलेक्ट करेंगे और आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आर्डिनो बोर्ड जो यूज़ किया है वो देखें कि आपका सेलेक्टेड है कि नहीं है, तो ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद जो पोर्ट पे जाएंगे, पोर्ट आपका जो रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्ट आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए इसे टूल्स में जाके, ये आपका COM6 और COM6 पे आर्डिनो यूनो बोर्ड कनेक्टेड है, COM3 पे नहीं है, तो ये आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को जो है कंपाइल करेंगे, ये आपका लिख के आ रहा है कंपाइलिंग स्केच, यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन लाइन और आपको दिखेगा कि यहाँ पे कंपाइलिंग चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी समरी जनरेट होगी इस विंडो में, यहाँ ये आपका लिख के आएगा कि आपका कितना मेमोरी स्पेस जो है यूज़ किया है, कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर आएगा, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम सही रन कर रहा है। अब इसको आप जो है अपलोड कर देंगे, जब आप इसको अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे ये आपका डन अपलोडिंग हुआ। तो डन अपलोडिंग होने के बाद मींस कि अब आपका जो प्रोग्राम है वो आपका आर्डिनो यूनो में चला गया है, उसके माइक्रो कंट्रोलर में ये जा चुका है और आपका ऑपरेशन देख लेते हैं। सर्किट पे चलते हैं अब हम वापस से यहाँ पे, तो सर्किट अगर देखेंगे आप तो सर्किट आपका जो है देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। अब आप कहें, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर एक से ज़्यादा जो है अगर हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो क्या करें, तो उसके लिए और दूसरे जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपके आते हैं आजकल,
जिनको आप नंबर ऑफ सेवन सेगमेंट डिस्प्ले एक ही सर्किटरी में कनेक्टेड होते हैं, तो उनको आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे, लेकिन इसका जो लिमिट है, मैंने एक ही सिंगल यूनिट यहाँ पे यूज़ किया, तो 0 to 9 ही ये डिस्प्ले करेगा। इसको आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में अपना यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर को इंटरफेस करा के देखेंगे आर्डुइनो यूनो के साथ कि वो कैसे काम करेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, इसको शेयर जरूर करें दूसरे स्टूडेंट्स को, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स भी आर्डुइनो के बारे में सीख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।